बिरयानी बनाना मतलब बहुत सारा तामझाम, लेकिन आज हम है ना परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनाएंगे, और वो भी कुकर में, और वो भी फटाफट। बस 2 स्टेप में ये बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और रिजल्ट आपके सामने है। देखिए बहुत ही फ्लफी बन जाती है बिरयानी, इसे परफेक्टली दम बिरयानी स्टाइल टेस्ट आ जाता है। ये बिल्कुल भी मसाला भात नहीं दिखता। अब देखिए इसके ग्रेन्स, इस चावल के ग्रेन्स कैसे अच्छे फ्लफी हो गए, और अंदर से आप चिकन देखें कितना नाइस एंड जूसी बना है। बिल्कुल भी ड्राई नहीं है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, और बहुत ही सूखा सूखा भी नहीं है, ड्राई भी नहीं है। परफेक्ट टेक्सचर है जैसे बिरयानी के लिए एक्सपेक्टेड है। हे एवरीवन, मैं हूँ मधुरा, वेलकम टू मधुराज रेसिपी। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी, लेकिन बहुत बहुत कम मेहनत से, क्योंकि हम बना रहे हैं ये कुकर में। लेकिन कुकर में हम बना रहे हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है, टेक्सचर है, लुक है, वो परफेक्ट जैसे दम बिरयानी मिलती है या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनती है, ठीक वैसे ही बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ चिकन, जो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चिकन वॉश कर पूरा ड्रेन कर लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, बिरयानी मसाला 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हरी मिर्च, नमक और धनिया, पुदीना, जो मैं इसे हाथ से काट कर डालना प्रेफर करती हूँ, उससे उसका स्वाद है ना वो अच्छे से रिलीज हो जाता है, और दही 1/2 कप दही। अब ये सब अच्छे से कर लेंगे मिक्स। चलिए ये अच्छे से हो गया है मिक्स। अब इसे कवर कर हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे कम से कम 1/2 घंटे के लिए। अगर आपके पास समय है तो नाइट बिफोर आप ओवरनाइट फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए छोड़ दे सकते हैं, और जब आपको बिरयानी बनानी है तब बस 1 घंटे पहले फ्रिज में से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी हिंदी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। अब चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैंने लिए 2 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। इसमें हम डालेंगे ढेर सारा पानी, और ये राइस कम से कम 3 से 4 बार ऐसे ना अच्छे से हाथ से क्लीन कर इसमें से ये जो स्टार्च वाला पानी वो निकाल लेना है। तो 3 से 4 बार ये मैं स्टेप रिपीट करूँगी। अब चावल अच्छे से धुल जाने के बाद इसमें डालेंगे 3 से 4 कप पानी, और इसे सोक करने के लिए कम से कम 1/2 घंटा हम साइड में रख देंगे। कुकर में बिरयानी बना रहे हैं तो कुकर में 2 चम्मच तेल मैंने गरम करने के लिए रखा है। उसमें जाएगा 1/2 चम्मच जीरा, जीरा अच्छे से फूलना चाहिए। उसके बाद तेज़पत्ता, खड़े मसाले, इसमें है ये स्टार फूल, दालचीनी, मसाला इलायची, लौंग 4 से 5, और उसी के साथ साबुत काली मिर्च 4 से 5। अब ये खड़े मसाले बस भून लेंगे, ऐसे मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मिक्स कर हल्का सा सुनहरा होने तक प्याज भी भून लेंगे। तो प्याज आप देख सकते हैं अच्छे से गल चुके हैं, हल्का सा सुनहरा कलर कैरमलाइज भी होना स्टार्ट हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ी चम्मच, वापस बिरयानी मसाला 1/2 चम्मच, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और धनिया का पाउडर, और थोड़ा सा नमक। हमने चिकन मैरिनेट करते समय ना नमक डाला है, तो नमक थोड़ा ही डालना है। अब ये करेंगे मिक्स। अब ये मसाले अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना के पत्ते 1 से 2 चम्मच। अब ये भी करेंगे मिक्स।
अब इसमें डालेंगे ये जो मैरिनेट करके हमने चिकन लिया था वो, अब ये भी कर लेंगे इस मसाला में एकदम से को। चलिए अब ये चिकन ये मसाले के साथ अच्छे से कोट हो चुका है और उसका कलर भी आया, कलर भी बढ़िया है ना। अब इसे ढकेंगे, प्रेशर कुक नहीं करना है, बस ढक कर 15 मिनट के लिए कुक करना है। पानी में नहीं डालूंगी, अगर बीच में मुझे लगा कि पानी डालने की ज़रूरत है तभी ऐड करेंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। यस देखिए बीच बीच में ये चेक करना ज़रूरी है कहीं चिकन नीचे से जल ना जाए। अगर आपको लगता है कि पानी डालने की ज़रूरत है तो आप बस एक या दो चम्मच पानी डालें, बहुत पानी मत डालना क्योंकि चिकन है वो जैसे जैसे गलता है कुक होता है पानी छोड़ना स्टार्ट करता है, तो ज़्यादा पानी नहीं। बस मैंने 2 चम्मच पानी डाला है, वापस ढक कर और 10 मिनट इसे कुक कर लूँगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अब टोटल 25 मिनट्स मैंने ये चिकन कुक कर लिया है और अब चेक करते देखिए ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है लेकिन कम्प्लीटली कुक नहीं है। 80% होने तक हम इसे कुक करेंगे क्योंकि बाद में भी ये हम प्रेशर कुक करेंगे बिरयानी, तब ये तो कुक होने ही वाला है। अब थोड़ा सा बस एक या दो चम्मच पानी में बेस में डाल दी ताकि वो जले ना बेस में। अब इसमें डालेंगे ये चावल जो हमने सोक करने के लिए छोड़ दिए थे, इसमें से पानी पूरा निकाल कर लेना है। अब ये चावल हम करेंगे स्प्रेड, चावल अच्छे से स्प्रेड किए। अब 2 कप चावल थे तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी लिया है। अब इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा सा नमक ताकि चावल को भी थोड़ा टेस्ट आ जाए। अब ये भी थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं। अब बिरयानी है, घी भी तो जाना चाहिए, तो ढेर सारा घी 2 से 3 चम्मच। स्वाद बहुत बढ़िया आता है अगर बिरयानी में घी डाला ना। अब इसे ढक कर मीडियम टू हाई, मीडियम हीट नहीं, मीडियम टू हाई हीट पर 1 सीटी लगा लेंगे। बस 1 सीटी ही लगानी है, 1 सीटी होने तक मैंने ये मस्त कुक कर लिया है। अब पूरा प्रेशर भी निकल गया है, 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक करते हैं ये बिरयानी। वाओ देखिए सुपर, बहुत बढ़िया बन चुकी है। और अगर आपको चाहिए ना अभी इस समय आप इसके ऊपर ये केसर वाला दूध भी डाल सकते हो फ्लेवर के लिए, लवली। चलिए अब हम ये निकाल लेते हैं। वाओ देखिए कितनी बढ़िया बनी है, नीचे बिल्कुल एकदम जूसी है, चावल भी एकदम खिला खिला बन चुका है और बिल्कुल नहीं लग रही कि ये कुकर की बिरयानी, परफेक्ट दम स्टाइल बिरयानी बनकर तैयार है। फटाफट बन जाती है, आप देखिए इसका कलर टेक्सचर ज़बरदस्त, ढेर सारे बर्तन ख़राब नहीं होंगे, बस फटाफट ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। और टेस्ट है ना बहुत ज़बरदस्त, उसका टेस्ट उसका टेक्सचर ऑसम आ जाता है। रेसिपी अच्छी लगी यूट्यूब पर मधुराज रेसिपी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मधुराज रेसिपी।